ठीक है, अभी हमने किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पोटेंशियल आपको समझ आ गया। और पोटेंशियल को समझने का सबसे एक तरीका और है, सबसे आसान तरीका जो है, मतलब अब जनरल हम पूछ लेते हैं पोटेंशियल होता क्या है। ठीक है, बच्चों को डेफिनेशन पता होता है और बच्चों को एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता कि पोटेंशियल हम किसी चीज को कहते हैं ना, क्या इसका पोटेंशियल इतना है, कि हाँ भी ये बैटरी है इसका पोटेंशियल इतना है। तो एक्चुअल में पोटेंशियल होता क्या है, सिर्फ डेफिनेशन से नहीं, आपको बेसिक उसके अंदर तक डीप तक जाना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा कि आप पोटेंशियल एक्चुअली है क्या चीज। ठीक है, अभी हमने पोटेंशियल पढ़ा, पोटेंशियल किसके बराबर आ गया, 1/4 πε0 q अपॉन में r, जो किसके बराबर होता है, पोटेंशियल एक्चुअल में क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। अगर पोटेंशियल की हम एक डेफिनेशन और बना सकते हैं, जो पोटेंशियल को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, पोटेंशियल क्या है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्ज और डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, मतलब क्या है, अगर हम किसी बॉडी, मतलब पोटेंशियल का सीधा सीधा कनेक्शन किस पे है, फ्लो ऑफ चार्ज पे और डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन पे। ठीक है, जिस बॉडी का जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा, मतलब उस बॉडी में उतना ज्यादा चार्ज फ्लो कर सकेगा। ठीक है, जिसका जितना ज्यादा पोटेंशियल उसमें उतना ज्यादा चार्ज फ्लो कर सकता है, और जितना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा वो उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, जिसका पोटेंशियल ज्यादा उसमें चार्ज फ्लो ज्यादा, और चार्ज फ्लो ज्यादा तो उसका पावर ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, उसकी खुद की इलेक्ट्रिफाई होने की जो पावर है उतनी ही ज्यादा। तो ये बेसिक पोटेंशियल से हमें पता लग जाता है कौन सी बॉडी कितनी अच्छा कितनी अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, या कोई भी बॉडी कितना अच्छा कंडक्टर हो सकता है अपने। ठीक है, ये हमें किससे पता लगेगा, उसके पोटेंशियल से। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आएगी, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी हम पोटेंशियल डिफरेंस को पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल का भी हमने फॉर्मूला किया, पोटेंशियल का 1/4 πε0 q/r, मतलब पोटेंशियल क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। मतलब डिस्टेंस जितना कम होगा पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा, मतलब v इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r, मतलब r अगर ग्रेट ज्यादा होगा, r डिक्रीजेस v इंक्रीजेस। जैसे एक चार्ज है Q+Q चार्ज है, सोर्स चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, मान लो इसका रेडियस R तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, मान लेते हैं मैं एक पॉइंट कंसीडर करता हूं R डिस्टेंस पे VA, VA का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4 πε0 q/r। ठीक है, अगर जैसे जैसे मैं फील्ड के पास आता जाऊंगा वैसे वैसे आर कम होता जाएगा, आर कम होता जाएगा तो पोटेंशियल इंक्रीज हो जाता है। अब मैं मान लेता हूं, मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूं कि मैं इस डिस्टेंस पे आ गया, ये टोटल आर था, मैं इस ये पोजीशन ए थी जो हमने कंसीडर करी थी। ठीक है, ए पोजीशन से मैं चल के बी पोजीशन पे आ गया, तो बी पोजीशन का पोटेंशियल क्या होगा, और मैंने डिस्टेंस कवर किया है एक्स, तो वी बी क्या होगा, 1/4 πε0 q/r − x। ठीक है, r की वैल्यू कम हुई है, r की वैल्यू कम हुई है तो वी बी ज्यादा है वी ए से। ठीक है, तो इस पोजीशन में का पोटेंशियल और इस पोजीशन के जो पोटेंशियल में जो फर्क आया है उसी को बोलते हैं हम पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी बी माइनस वी ए, पहले बड़े वाली टर्म पहले लिखेंगे, दूसरी टर्म उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। इसके बाद हम टॉपिक कर रहे हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे इक्वी पोटेंशियल सरफेस।